नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था, जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा?